हर एक जिले में कुछ ना कुछ नई चीज हम लोगों ने देने का प्रयास किया। डिफेंस एक्सपो, बड़े बड़े उद्योग डिफेंस से जुड़े हुए आएंगे, लेकिन उसके साथ ही उससे जुड़े हुए एंकर यूनिट भी यहां पर लगेंगे, जिसमें एक सामान्य आईटीआई किया हुआ नौजवान भी जिसमें लगेगा और एक डिग्री प्राप्त करने वाला ग्रेजुएट, चाहे वह बी किया हो, बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो या सामान्य ग्रेजुएट भी हो, अगर स्किल डेवलपमेंट में किसी एक क्षेत्र में वह पारंगत हुआ है, एक 5 लाख नौकरियां सीधे सीधे उनको अपने घर में बैठे बैठे उन्हें प्राप्त होंगी और यह संभावना प्रदेश के अंदर इस रूप में देखने को मिली है। इन व्यापक संभावनाओं को प्रदेश के युवाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इतने बड़े स्तर पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया, जिसको देश और दुनिया ने इस आयोजन को सराहा है। हम सब पूरे धैर्य के साथ शासन की एक एक योजना को अगर देखेंगे तो योजनाएं आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी और रोजगार के साथ भी हम सबको जोड़ने का कार्य करती हैं, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, या फिर श्रम और सेवा योजना के माध्यम से रोजगार के माध्यम से रोजगार मेला लगाने के लिए आयोजित होने वाले रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का हिस्सा हो। जब निरंतर प्रयास और उस प्रयास के लिए निरंतर अपने स्तर पर किए गए एक अभियान को हम साथ में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलेंगे तो यूथ को उसकी मनपसंद की जॉब और मनपसंद का रोजगार ही अपने आप प्राप्त होता हुआ दिखाएगा। लेकिन इसके लिए हमें शासन की योजनाओं को भी जानना पड़ेगा और शासन की योजनाओं के साथ ही हमें उन युवाओं को स्वयं भी इतना आत्मविश्वास से भरपूर होना पड़ेगा कि नहीं, वह जहां कदम रखेगा वहां पर सफलता उसके पैर को छुएगी और चूमेगी, इस विश्वास के साथ वह आगे बढ़ेगा तो कहीं कोई संदेह नहीं कि युवा रोजगार से कहीं वंचित होने वाला है। और आज का यह अवसर आपके सामने आया है, जब 91 कंपनियां यहां पर आज आई हैं, 12,000 से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण देने के बाद फिर उनको रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य ये 91 कंपनियां अलग अलग स्थानों पर करेंगी। और एक अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, गोरखपुर के नौजवानों के लिए, गोरखपुर में आज रोजगार मेला लेकर के आया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बात आपको और बताना चाहता हूं, खासतौर पर सरकार ने जो इस आधार कदम उठाए हैं, आज ही हम गोरखपुर में एक महिला पीएससी की बहाली का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता था कि बालिकाएं इस क्षेत्र में पिछड़ जाती थी या जा नहीं पाती थी, हम लोगों ने तय किया है कि 3 स्थानों पर महिला पीएससी पानी की स्थापना करेंगे, गोरखपुर में, लखनऊ में और बदायूं में। आज गोरखपुर का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि पुलिस की जो हमारी भर्ती होनी है उस भर्ती में 20% हम महिलाओं को अनिवार्य रूप से, बालिकाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती करें, जिससे प्रदेश की सुरक्षा में उनका एक बड़ा योगदान हो सके। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर नौकरी कि उन सभी संभावनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम और साथ साथ प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार के माध्यम से भी नौजवानों को उनकी मनपसंद की जॉब प्राप्त हो सके, इसके लिए कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बृहद स्तर पर प्रारंभ हो गए हैं। हमारा प्रयास है हर एक तहसील के अंदर कम से कम एक आईटीआई और एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, जो नौजवानों को उसके हुनर को एक मंच दे सके, उसे आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट दे सके। और आपने देखा होगा जिन लोगों ने उन संस्थाओं का उपयोग किया, देखते ही देखते जो पहले उनके अंदर निराशा थी, आज नौकरी का एक एक करके द्वार उनके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः श्रम और सेवायोजन विभाग को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह आयोजन आगे
आगे की तिथियों में होना था, लेकिन मैंने इस बात को कहा कि मैं गोरखपुर में आरोग्य मेला के निरीक्षण करने के लिए आ रहा हूं, और अगर मुझे 11 तारीख में 9 तारीख को ये आरोग्य मेला लगता, ये रोजगार मेला लगता है, तो आरोग्य मेला और रोजगार मेला दोनों को हम एक साथ देख पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है इतनी भारी संख्या में युवा यहाँ पर आए हैं। पूरे धैर्य के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर अपना इंटरव्यू दे करके अपना प्लेसमेंट की तैयारी भी करिए, ट्रेनिंग लीजिए और बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़िए। प्रदेश सरकार आपके साथ हर क्षेत्र में पूरी तरीके से अपना भरपूर सहयोग आपके लिए करने जा रही है। युवाओं के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आपके अक्सर होता है कि कोई नौजवान 10वीं पास करके 12वीं पास करके ग्रेजुएट करने के बाद ये देखता है कि उसके पास कोई भविष्य नहीं दिखता। हमने उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं और हम लोगों ने इस वर्ष में एक इंटर्नशिप की योजना हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इंटर्नशिप योजना में हर एक संस्था को, वह वोकेशनल एजुकेशन का ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई डिग्री कॉलेज हो, कोई वह विश्वविद्यालय हो, हमारा प्रयास है कि इनको किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी उद्योग से और किसी न किसी बड़े संस्थान से हम जोड़े। फिर वहां पर हम लोग एक HR सेल बनाएंगे जो वहां पर इन नौजवानों को ट्रेन कर सके, आगे जाने के लिए प्रेरित कर सके। इंटर्नशिप की हम एक स्कीम लेकर के आ रहे हैं और इंटर्नशिप की स्कीम में व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी नौजवान इस दौरान इंटर्नशिप लेगा, 6 महीने का, 1 वर्ष का जो इंटर्नशिप होगा, इसमें 2500 रुपये सरकार उसको उपलब्ध कराएगी, जिसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार देने जा रही है, 1000 रुपये हम राज्य सरकार से देने जा रहे हैं। हर उस युवा को जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग लेना चाहेगा उस दौरान सरकार उसको देगी, और इंटर्नशिप का कार्य पूरा होने के बाद हम उस युवा को वहां पर प्लेसमेंट की गारंटी भी दे सके। इसके लिए श्रम और सेवायोजन विभाग पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा और उसी विश्वास को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर ये बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी युवाओं को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। आप अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग अपने प्रदेश और अपने देश के लिए कर सकें, इसके लिए आपके लिए रोजगार, आपके लिए नौकरी और आपके आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार पूरी तत्परता के साथ करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।